नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है कंप्यूटर बेसिक ज्ञान के अंदर। दोस्तों आज हम बात करेंगे डेटेड इफ फंक्शन की एक्सेल के अंदर, ये क्या होता है, उसका क्या यूज होता है। मान लीजिए दोस्तों हमारे पास दो डेट है, एक तो स्टार्ट डेट है और एक एंड डेट है। और मान लीजिए इन दोनों डेट के बीच में आपको ये पता करना है कि क्या डिफरेंस है, यानी कि कितने साल का, कितने महीने का और कितने डेज का डिफरेंस इन डेट के बीच में, तो आप डेटेड इफ फंक्शन की सहायता से निकाल सकते हैं। डेटेड इफ फंक्शन में हम लोग तीन पैरामीटर्स का यूज करते हैं, एक तो स्टार्ट डेट, कोमा एंड डेट और कोमा यूनिट। यूनिट के अंदर हम पांच प्रकार के यूनिट्स यूज करेंगे। एक तो अगर मान लीजिए हमें कंप्लीटेड ईयर निकालना है तो वाई, और मान लीजिए किसी दो डेट के बीच में 13 महीने का डिफरेंस है तो उसमें वो साल तो क्या कैलकुलेट करेगा, एक, और मान लीजिए उसमें मंथ पेंडिंग बचा है एक, अब तो एक वाई एम के द्वारा निकाल सकते हैं। और मान लीजिए उसमें नंबर ऑफ डेज भी डिफरेंस ज़्यादा आ रहा है तो वो एम डी से निकाल सकते हैं। कंप्लीटेड मंथ निकालने तो एम, और कंप्लीटेड डेज निकालना है तो आप इससे कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। कैसे करेंगे, मान लीजिए इन दोनों डेट के बीच में हमारे पास दो डेट है, एक तो 10 अक्टूबर 2020 और एक 25 दिसंबर 2022, ठीक है। तो अगर हम जैसे डेटेड इफ, अब पहला पैरामीटर क्या है, स्टार्ट डेट यानी कि C2 सेल, कोमा एंड डेट C3 कोमा, अब हम इसमें पास करेंगे Y और देन क्लोज और ये एंटर, तो ये आपके पास दो साल का डिफरेंस इसमें दिया। अगर अब हम खुद भी इसको मैनुअली कैलकुलेट करें तो 10 से 10 अक्टूबर 2022 तक ये दो साल करेगा, बट अभी हमारा दिसंबर है इसमें, तो हमें मान लीजिए इसके दो साल कंप्लीट होने के बाद में 2 महीने और कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले मैं इसमें ये फॉर्मूला कॉपी कर लेता हूँ एक बार, ताकि हम इजीली इसको पुट कर सके बार बार में। अब मान लीजिए मुझे ये यहाँ पे पुट करना है, तो यहाँ पे YM से क्या करेगा ये कैलकुलेट, तो आप देखेंगे कि इसमें 2 साल और 2 महीने का डिफरेंस आ गया। अब मान लीजिए महीना भी कंप्लीट हो गया बट उसमें और भी कुछ ऊपर नंबर ऑफ डेज आ रहे हैं, तो देखिए 10 अक्टूबर ठीक है, और यहाँ पे 25 दिसंबर, तो आपका 2 साल और 2 महीने तो हो गया, बट इसमें 15 दिन और ज़्यादा जा रहा है, तो वो भी हम कैसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इसमें पुट करेंगे M और D, क्या पुट करेंगे M और D, तो इससे क्या आ जाएगा आपका नंबर ऑफ डेज भी आ जाएगा, 2 साल 2 महीना और 15 दिन, तो ये तो इस प्रकार से कर सकते हैं। अगर मान लीजिए हमें नंबर ऑफ डेज मंथ्स कैलकुलेट करने के, नंबर ऑफ मंथ्स कितने हैं, तो यहाँ पे आप क्या पुट करेंगे एम, तो आपके टोटल मंथ्स आ जाएंगे 26, आपको पता लग रहा है कि 24 महीने 2 साल में हो गए और ये 2 महीना, तो ये 26 महीने आपके इसमें कैलकुलेट कर लिए। अब आपके नंबर ऑफ डेज पता करना है आपको, ठीक है, ये लो जी इसमें पास कर दीजिए आप डी, यूनिट में क्या पास करना है आपको डी, तो ये आपके नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे। तो आप डेटेड इफ फंक्शन से दो डेट के बीच में कितना साल, कितना महीना और कितना दिन का डिफरेंस है वो भी निकाल सकते हैं। आपको ओनली ईयर निकालना है तो आप कंप्लीटेड ईयर वाई यूनिट पास करेंगे, कंप्लीटेड मंथ निकालना है तो ऐसा करेंगे, और नंबर ऑफ डेज पता करना है तो आप ओनली डी पास करेंगे उसमें यूनिट के अंदर। तो मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि आप कैसे डेटेड इफ फंक्शन के द्वारा दो डेट के बीच में जो डेट में डिफरेंस आ रहा है, ईयर में, मंथ में और डेज में, और एक ईयर कंप्लीट होने के बाद में कितने महीने बच गए और एक महीने भी कंप्लीट होने के बाद कितने डेज बच गए, वो सारा कैसे निकाल सकते हैं। मैं आपसे फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद।